हेलो दोस्तों, आशा और अंकु के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और ये रहा है आज का मौसम, देखिए आज है दीपावली पर बारिश के साथ, बारिश यहाँ पर आपको दिख नहीं लगा, ऐसे बूंदे 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 आ रही है। और एक चीज़ दिखा दूँ, ये देखिए गमले में फूल इतना सुंदर लग रहा है ना, मैं सोचिए छत पर थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, पता नहीं कैसे दिए हुए जलेंगे। ये देखिए लाइटें वाइटें सब लगा रखी है, ये सब रात में बहुत अच्छी लग रही है। और यह है सुबह का नज़ारा, और ये है हमारा आंवला, देखिए देखिए ना कितना सारा हुआ है, कितना सारा भी छोटा 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 हुआ है। जा रही हूँ ना नीचे, बारिश थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आ रही है बारिश, चलो आई उसको उठाते हैं। पूरा अंधेरा है अभी, सभी सो रहे हैं क्योंकि बारिश आ रही है ना, अभी सारा काम बाकी है। तो सबसे पहले मुँह हाथ धो करके चाय बिछाती हूँ, तो चाय के साथ आइए। गुड मॉर्निंग, इधर सब्जी बन रही है, अंदर ये है मेरी चाय पक रही है, अभी इसको पकने दीजिए। और यहाँ पे आयुष सो रहा है, मैं लाइट जला देती हूँ, अंधेरा दिख रहा है। आयुष 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 आयुष, ओ बाबू 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 आयुष, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, आज दीपावली है बाबू, हैप्पी दीपावली। और सबसे पहले मैं बोलती हूँ मेरे बाबू पूरे परिवार के तरफ से आप लोगों को हैप्पी दीपावली। आयुष बोल दो सबको हैप्पी दीपावली। आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दीवाली। सदे सदे भी हैप्पी दिवाली बोल दिया आप लोगों को। गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, भैया दीदी नमस्ते सबको, नमस्ते गुड मॉर्निंग। देखा सदे सदे उठ के आप लोगों को बेचारा बोल रहा है, तो देखिए गाइस का हाँ, तो उठोगे ना आयुष, चलो उठ दे। चलिए मैं फिर मिलती हूँ कुछ देर में, कुछ काम हम सारा कर लूँ, और दोनों बच्चे तो सो रहे हैं। तू आयुष गैस कर, तेरे कितना दिन छुट्टी है? कितना दिन छुट्टी है बता? दो दिन पता है? नहीं तीन दिन तेरी छुट्टी है, 3 दिन। कारण क्या है? कारण मुझे नहीं पता, कारण है आज दीपावली है, आज बड़ा दीपावली, कल छोटा दीपावली, उसके बाद में भाई दूज आ जाएगा, भाई दूज की छुट्टी। क्या जाएगा उसके बाद? भाई दूज भाई दूज क्या होता है? भाई दूज होता है हर बहन अपने भाई के लिए एक राखी नहीं बांधती, पूजा करेंगी और फिर भाई के हाथ में ये रक्षा बांधती है। इधर राखी नहीं है राखी नहीं है बाबू, बड़ी माँ कल राखी है, भाई दूज को ये राखी बोल रहा है। भाई दूज मैं बोली, हाथ में दीदी बांधेगी भाई दूज, तो बोला राखी है, राखी नहीं है, हाथ में भी तो बांधते हैं वो। आज मैंने अपना रूम क्या अच्छे से कर लिया, मम्मी चिल्ला रही थी इसीलिए तो मैं तेरे पास आके बैठी हूँ, यहाँ वरना मम्मी इधर बैठती भी नहीं है। कब से नहा करके यहाँ पर बैठी? मम्मी बाल खुले में ज्यादा अच्छी लगती है कि नहीं बताओ? आज ये सूट पहना है मम्मी के लिए, हाँ ये दिखा चुका है, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो ये मूर्ति ला रखे है ना, तो अभी जा रही है ये पूजा की, साफ सफाई कर देने, और ये जो मूर्ति है पुरानी वाली रख दूंगी, किसी नदी या किसी तालाब में डाल दूंगी। तो अभी जाती हूँ साफ कर लेने, और दूसरा कपड़ा बिछा दूंगी सुंदर से पूजा के लिए। ये हाँ। ये जो पुरानी मूर्ति हो जाती है ना हाँ। एक साल की, तो इनको जल में या नदी में इनको अर्पण कर देते हैं, ठीक है? अच्छा हाँ, जल में? हाँ जल में। मम्मी ने मूर्ति निकाल दिया, सुंदर लग रहे हैं ना? अरे दिखा, बहुत प्यारे और सुंदर लग रहे हैं ना, प्यारे भी हैं। अरे चला इसको तो जैसे मुझे उठा दे, बहुत सुंदर है, देख लो अच्छे से, दिए धो करके और पानी से निकाल कर रख दिए मैंने,
ताकि सूख जाएंगे तो तेल डाल के दिए जलाने में आसानी रहेगा। और ये पूजा के बर्तन वगैरह जो है मैंने सब साफ कर लिए और पूजा वाला भी साफ हो गया। कितना अच्छा लग रहा है ना, शाम के पूजा की तैयारी हो रहा है। अब बस और बाहर दिखाती हूँ बाहर में कितनी अच्छी से तैयारियाँ हुई है। बाहर में ही कितने अच्छे कोला का, ये कोला का जो वो होता है ना जड़, उसका इन्होंने बनाया है दिया रखने के लिए। और ये इस तरीके से बनाया है, इसको शायद कागज वगज लेने गए हैं सजाने के लिए। और वो एक देख रहे हैं ना, वो एक छोटा सा मैं दिखाती हूँ, बारिश हो रही है ना, ये चीज़ तो ये भी सजा रखे हैं। और बारिश में सभी लोग छाता ले लेके आ रहे हैं और जा रहे हैं। देखिए बारिश है, दीपावली खराब हो गई चुकी है। रोहित एकदम मस्त आज नहावा के एकदम चमक रहा है। ये क्या है आयुष? इसका खोल लो। हे भगवान, रील बना रहा था। ओ इसलिए पहना था। अच्छा, और यहाँ ये आयुष ने दिए लाके रखे हैं, और यहाँ ये कलर और रंगोली मैं भी इससे बनाऊंगी जो कि मैंने पेंट की है। अच्छा, ये रही, ये आयुष ने पेंट किया है। हाय बोल दो रोहित। जो क्या जो कि वीडियो में कभी नहीं था, डिसेन आ रोके आ आ आ हेल्प करना, आ जा। तो वो भाग गया। मैं बोल रहा था हाँ, सबसे पहले रंगोली लेते हैं। नहीं इसके ऊपर नहीं, इसके पहले पहले अच्छा सर्कल, ठीक है सर्कल। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ रंगोली बनाने में, देखते कैसे बनते हैं। मैं तो बहुत एक्सपर्ट। अच्छा ऐसे 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 मस चला दो। देखो जो जो रंगोली बाहर है ना उसको मैं कर देता हूँ अंदर। ऐसे ऐसे फैला भी दो। ये देखो एकदम सटा के बनाना। बारिश देखिए, इतनी बाहर में बारिश आ रही है, और मैं ये पूजा के जो कपड़े हैं ना इधर धो के सुखा रखी हूँ सूखने के लिए। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे शैतान रंगोलियाँ बना, सबसे परेशान हो रहा है। कम से कम नहीं, 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 नहीं। कम से कम ये 4-5 बार बनाया, 4-5 बार बिगाड़ दिया। दीदी मैं ना ही जाऊँ, ऐसा सेलो टेप लाओ कोई। सेलो टेप नहीं लगता है इसमें, सेलर नहीं लगता है। रुक जा। चलो मैंने ये हमने बना लिया, मैंने इसने देखते कैसा बना है, हिल गया तो बस डर लग रहा है। आयुष ने बना ही दिया, मैंने बनाया है आयुष ने नहीं, बस बस दीदी पकड़ी है बम तो नहीं। क्या कर रहा है आयुष, कलर बर्बाद कर रहा है क्या? हाँ खत्म हो गया तब रिकॉर्ड कर रही हूँ, कितना टेस्टी बनाया था रोहित, ये जी कलर बर्बाद कर रहा है। बाहर में बारिश हो रही है तो मैंने क्या किया, गंगा जी के नाम से इधर ही मैंने जला दिया घर में। ऊपर बारिश है हो नहीं सकता है, तो इधर मैं पूजा की भी तैयारी करती हूँ, सब कुछ सामान लेकर रख दिया है, चुंदरी वगैरह। तो यहाँ दिया जल चुके हैं और उधर भी जल चुका दिया। ये भिगा के रखे थे और ये भी तेल में डुबा के रखे थे ताकि अभी प्रॉब्लम ना हो जलाने में। और यहाँ पूजा हो रहा है और ये खेल रहे हैं। और रंगोली बनाई थी, रंगोली खराब कर दिया। ये तो आयुष ने बनाया, ये मैंने बनाया था, पर आयुष ने इसके ऊपर पता नहीं क्या किया, अपना गाड़ी चला दिया है, अपना गाड़ी चला दिया है, क्या किया और बाबू रोहित को बोला संग बजाने के लिए। आयुष वो ये आयुष ने बनाया ये, और ये नहीं दिखा रहा आयुष ने बनाया, बोल रहा है कि मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये गंदा है,
क्योंकि सबने बोला खराब है। बाबू बहुत सुंदर है, सच में बहुत सुंदर है। बाबू ने हाथ से बनाया, आयुष ने हाथ से बनाया, आयुष ने हाथ से बनाया। पर नहीं जाएंगे। ओए मेला कौन कौन जा रहा है? मेला सब डांस का छोटा देखा था, पूरा डांस का छोटा था। मम्मी मैं इसे बोला था कि मैं, इसने बोला दाढ़ी काट दे, मैं दाढ़ी काट दिया। हम बोल रहे गंजा लग रहा है। अब बोल क्या करो, बोल किसी ये रे किसी। देखा मैं अचानक से ब्लॉग बना रही थी, लोगों का झगड़ा, मेला वाला जाना है, मेला वाला, मेला 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 मेला, हाँ मेला मेला है। उनका क्या होगा, पूरा नुकसान ही हो गया। दुर्गा पूजा में भी दुकान लगाए थे, पता है वो भी सारा नुकसान हो गया। सभी ने खाना खा पी लिया है। आयुष ने फुलझड़ी जला लिया है और आस पास पड़ोस बम फूट रहे थे, इसका भी तो मन कर ही रहा था। उन लोग को देखा ना कैसे फूटा है बम, तो चलिए वीडियो एंड कर देना। और सबको एक बार फिर हम लोग, मेरे आयुष मेरे पूरे परिवार के तरफ से हैप्पी दीपावली। हाँ तो सुबह से ब्लॉग शुरू किया था, अब ब्लॉग को बंद कर देते हैं क्योंकि हम लोग सोने जा रहे हैं, सभी सो गए हैं। और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी सभी अच्छे से मंगलमय हो, आपकी दीपावली अच्छी गई होगी। ये वीडियो जब तक जाएगी, दीपावली तो जा चुकी होगी। तो चलिए बाय बाय।